नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2 जून की रोटी का मतलब और इसका महत्व। आपने इस कहावत को कई बार सुना होगा, जैसे 2 जून की रोटी का बड़ी मुश्किल से इंतजाम हो पाता है या 2 जून की रोटी मिल जाए यही बड़ी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहावत का असली मतलब क्या है और इसे क्यों कहा जाता है? दोस्तों, यह कहावत उन लोगों की कठिनाइयों को दर्शाती है जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने में संघर्ष करते हैं। भारत में बहुत से लोग गरीबी से जूझ रहे हैं और उनके लिए एक दिन का भोजन जुटाना भी मुश्किल होता है। यही वजह है कि 2 जून की रोटी की कहावत उनके संघर्ष को बयां करती है। सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना और मनरेगा योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों की मदद करना और उन्हें 2 समय का भोजन उपलब्ध कराना है। कुछ लोगों का मानना है कि 2 जून की रोटी की कहावत 500 साल पुरानी है और यह मुश्किल से मिलने वाले भोजन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं कुछ लोग इसे जून के महीने से जोड़ते हैं, जो खेती का कठिन समय होता है और किसान को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन असल में जून शब्द अवधि भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब समय होता है। इसलिए 2 जून की रोटी का मतलब है 2 समय की रोटी, यानी दिन में 2 बार भोजन। समय के साथ इस कहावत के अलग अलग अर्थ निकाले गए और इसे अलग अलग तरीकों से समझाया गया। महान साहित्यकार प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी कहानियों और कविताओं में 2 जून की रोटी का उल्लेख किया है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह थी 2 जून की रोटी के पीछे की कहानी और इसका महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।